नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टैली का हमने एक बिल बनाया था जो कि एक था आंगन ढाबा नाम से, जो कि ये होटल या रेस्टोरेंट का बिल हो सकता है, ये तो नाम है। लेकिन दोस्तों ऐसे बिल हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया था जिसमें बहुत अच्छे खासे व्यू आए थे, यानी आज हम इसी बिल को GST के साथ अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों ये थंबनेल है जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पिछले वीडियो का है विदाउट आपका GST का है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई GST आपकी नहीं लगी है। तो आज दोस्तों इसी बिल को हम फिर से आपको बताएंगे कि आप इस बिल के अंदर आप कैसे GST अप्लाई कर सकते हैं, कैसे GST इस पे लगा सकते हैं और कितने परसेंट यहाँ पे आपकी जो GST होती है लगाई जाती है। दोस्तों बहुत लोग ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं कि जो हमारे पास फास्ट फूड होते हैं उस पे अलग अलग GST लगाई जाती है। तो दोस्तों अगर हमारा जो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके इजी तरीके से जाके देख सकते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे 2.5% का GST लगाने वाले हैं, यानी 5% होगा, जो कि 5 यहाँ पे हमारे पास 2.5% होगा SGST एंड 2.5% CGST। तो इन दोनों को मिलाकर हम 5% GST बनाएंगे। अब ये दोस्तों कैसे बनाना है टैली ERP के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पहले से कंपनी बनाए हैं, बस उसी को हम चेंजेस करेंगे और कुछ फीचर्स को ऑन करेंगे तभी हमारा जो GST है वो ऑप्शन चलेगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको फिर से इसी बिल को GST के साथ बताते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमने पहले से जो टैली का सॉफ्टवेयर है ओपन कर रखा है, साथ में आप देख सकते हैं ये ढाबा भी है जो कि यहाँ पे कंपनी हमने बनाया था। अब दोस्तों क्या करते हैं कि एक कंपनी हमने ओपन किया है। दोस्तों टैली में क्या होता है कि जो कंपनी ओपन रहती है वो बोल्ड में हाईलाइट हो जाता है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हम GST को लगाएंगे, लेकिन दोस्तों पहले आपको दिखा देते हैं कि यदि आपकी GST ऑन नहीं है तो GST को दोस्तों सबसे पहले ऑन करना होगा। तो दोस्तों ऑन करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे फीचर्स में, जिसका शॉर्टकट है F11। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है सेंड्री टैक्स सेशन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसके अंदर GST को यहाँ पे ऑन करना चाहते हैं। तो ये हमारा आंगन ढाबा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यस नो का ऑप्शन आएगा, तो आपको जितने ऑप्शन को बताएंगे बस उतने ही ऑप्शन को आप ऑन करिएगा, बाकी आपको किसी को ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पहला लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसको सबसे पहले Y अपने कीबोर्ड से प्रेस करके इंटर करेंगे तो ये यस हो जाएगा, यानी एक तरीके से ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे दूसरा दिया है सेट अल्टर GST डिटेल, इसको भी दोस्तों आपको कर देना है Y। दोस्तों ये दोनों क्या होते हैं, पहला तो GST होती है, साथ में जो सेट अल्टर होता है कि आपकी जो GST है क्या उसको एडिट करना चाहते हैं, यानी उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तब उसके लिए यहाँ पे यस करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे यस करकर तो आपको फिर ऐसे एक ऑप्शन आएगा GST प्रॉपर तरीके से डिटेल भरना है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों स्टेट दे रहा है, तो स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ GST एप्लीकेबल कब से स्टार्ट है यहाँ पे उसका डेट रखना है। एंड आपके पास GST नंबर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है भरना। यदि दोस्तों आपकी GST नंबर नहीं है यहाँ पे, यदि आप नहीं भरेंगे तो आपकी जो GST है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पे GST को ऑन करना। अब दोस्तों यहाँ पे हम GST को फिल करते हैं, तो GST नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डमी और GST नंबर हमने डाल लिया। एंड यहाँ पे आपको दोस्तों इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई दिस कंपनी है, वेरीफाई नहीं करना कुछ नहीं करना, इंटर कर देना है। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अपने कीबोर्ड से Ctrl+A कर देना है, यानी एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों इतना काम होने के बाद इसको भी हम Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे Ctrl+A से एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि सीधे जाएंगे वाउचर्स में, जहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं वाउचर्स में, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में।
उसके बाद दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे जो कि आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे POS इनवाइस वाला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी हमारे पास पार्टी नेम था उस पार्टी का नेम यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, जैसा कि हमने अमित बनाया था। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस था जो कि यहाँ पे हम एड्रेस फिल कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है यानी GST नंबर है, तो यहाँ पे दोस्तों आप GST नंबर जरूर मेंशन करिए। तो यहाँ पे GST नंबर यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एंड इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो लेजर्स होगा वो सेल लेजर्स हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जितने भी आपके आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स को एक एक कर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए बिल पे देखते हैं कौन कौन से आइटम हमने बनाया था। तो दोस्तों पहला था पनीर कढ़ाई हाफ, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 NUS और 140 रेट है, तो यही सेम हम एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे 5 पीस है यहाँ पे और 140 रेट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पनीर कढ़ाई, तो पी जैसे प्रेस करेंगे या अपने कीबोर्ड से आप स्पेस बटन दबाएंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहे दोस्तों आपका 5 पीस है, तो यहाँ पे इंटर करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका रेट आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका अगला है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगला है तंदूरी रोटी चना और कोलवाड़ा, तो हम क्या करेंगे तंदूरी रोटी एंड चना कोलवाड़ा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे टी दबाएंगे, तंदूरी रोटी हो गया एंड चना कोलीवाड़ा हो गया। उसके बाद दोस्तों स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पे वाटर हो गया, तो इसको वाटर को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब दोस्तों ये देखिए सेम वही एंट्री यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो गई है, बस इसमें जो रेट का है वही बस यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे मेन आपको हम दिखाने वाले हैं कि आप GST कैसे इसके अंदर आप लगा सकते हैं, कैसे आप दोस्तों यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक बार इंटर करना है कि जो आपका ये प्राइज है यानी अमाउंट है ये आपका ऊपर चला जाए, और ये GST वाला सेशन होता है हमेशा अमाउंट के नीचे। अब दोस्तों GST हमारे पास बना है या नहीं बना है, तो आप यहाँ पे आकर स्पेस बटन जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए बनाने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको GST का जो सेशन है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऑन करने का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे CGST, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम रखते हैं 2.5% यहाँ पे दे देते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे हम इंटर करते हुए आते हैं और यहाँ पे जो अंडर रहता है GST का ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहता है, उसके बाद यहाँ पे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ से GST को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये कौन सा है सेंट्रल है, तो यहाँ पे सेंट्रल ले लेते हैं। एंड यहाँ पे नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मल तरीके से यहाँ पे रखते हैं नॉर्मल राउंडिंग। एंड दोस्तों आपको बस Ctrl+A कर देना है यानी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि बस यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लगाना है जो हमारे पास आता है SGST। चलिए यहाँ पे Alt+C प्रेस करते हैं, यहाँ पे SGST भी यहाँ पे 2.5% यहाँ पे ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हम SGST लिखते हैं और यहाँ पे 2.5% यहाँ पे हम दे देते हैं, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद इंटर करते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, GST को यहाँ से ऑन करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे ले लेंगे स्टेट, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल सॉरी यहाँ पे हमारा स्टेट है यानी SGST। एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखना है एंड यहाँ पे कर देना है Ctrl+A। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे करेंगे तो आपकी जो GST होगी यहाँ पे आ जाएगा। अगर दोस्तों GST नहीं आ रही है तो आपका जो पार्टी नेम है इसमें आप कुछ मिस्टेक किए हैं, इसके वजह से ये नहीं आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो GST है यहाँ पे आ गया है 5.7 ये GST लग गया है 2.5% का। तो इस तरीके से दोस्तों आप GST का बिल बना सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड में। तो दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।